वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 109। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सेक्शन 106, 107, 108 बता दिया है चैप्टर 8 का। आज बात करते हैं सेक्शन 109 जो कि बात करता है कि संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति कैसे ली जाएगी। तो इसमें टाइप्स बताए गए हैं कि किस किस व्यक्ति से कैसे कैसे सिक्योरिटी ली जा सकती है, प्रतिभूति या बॉन्ड लिया जा सकता है। तो सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर सस्पेक्टेड पर्सन। तो जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्व सावधानियां बरत रहा है, वो यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संघेय अपराध की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से या इसमें इसके पक्षात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि वह एक वर्ष की अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितना वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभुओं रहित या सहित बंद पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए, कि वह व्यक्ति क्या है कारण दर्शित करे कोर्ट में कि क्यों ना उसके उस एक साल के लिए क्या वह बॉन्ड भरे और यह कोर्ट को कहे कि वह किसी तरह का कोई गलत कार्य नहीं करेगा। तो ये बताया गया सेक्शन 109 में। व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव इंफॉर्मेशन दैट देयर इन विद इन हिज लोकल ज्यूरिडिक्शन ए पर्सन टेकिंग prosecution to conceal his presence and that there is reason to believe that he is doing so with a view to committing a cognizable offence, the magistrate may in the manner herein after provided require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with and without security for his good behavior for such period not exceed 1 year or the magistrate थिंग्स फिट। तो ये बताया गया सेक्शन 109 में कि क्या वह व्यक्ति जो कि है संदिग्ध व्यक्ति है उससे उसको कारण पूछा जाए और अगर वह कारण नहीं बता पाए तो उससे क्या है एक बॉन्ड लिया जाए, वह है एक साल तक का हो सकता है या मजिस्ट्रेट जैसा भी ठीक समझे और उससे क्या है उसके सदाचार के लिए कि वह किसी तरह का गलत कार्य नहीं करेगा। तो ये बताया गया है इस तरह का बॉन्ड क्या है सेक्शन 109 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के थ्रू लिया जा सकता है। तो फ्रेंड आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सारे सेक्शन दे सकते हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट और बहुत सारे सेक्शन आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो के लिए